तो हेलो गाइस, जय माता दी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अब तुमको तो मालूम है नवरात्रि चल रही है। आज मैं और मेरी मम्मी जा रहे हैं वाले माता के मंदिर जो हम बचपन से विजिट कर रहे हैं। आपको पता है वहाँ पे क्या था? आजू बाजू कुछ भी नहीं था, पूरा जंगल था, सिर्फ बीच में एक माता का मंदिर था। अभी जाओगे ना तो बड़ी बड़ी सोसाइटी बन गई है, बहुत बड़ी बड़ी। अभी मैं जैसे ही नहा के उतरा तो मम्मी क्या बोलती, चलेंगे वाले मंदिर? चलो तुरंत, तत्काल, लेट किस बात की, तू भी चलेगा उसकी? चलो आज तो अपन जा रहे हैं बाइक में। ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रहे हो ना, ये कुछ भी नहीं था, सीधा ही अंदर जाने का रास्ता था माता मंदिर का। ये कोई भी बिल्डिंग नहीं थी, उधर उधर इधर कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये रास्ता था और पूरा आजू बाजू पूरा जंगल था पहले। ये बात है लगभग 12-13 साल पहले की। मैं और मम्मी आते थे, ये जो पूरा रोड था ना, ये पूरा कीचड़ कीचड़ टाइप का रहता था। एक बार क्या हुआ ना, हम दोस्त लोग आए थे यहाँ पे, तो मेरे को क्या बोले, सांप है करके इतना स्पीड में भगा था। मेरे को आज भी याद है, मेरी चप्पल यहाँ रह गई थी, तो दौड़ दौड़ के भागा था वहाँ पे और चप्पल मेरी यहाँ पे रह गई थी। मम्मी मेरे को इतना मारी थी घर में, कमीने तू चप्पल घुमा करके आ गए। तब से मेरे को ये माता का मंदिर बहुत अच्छे से याद है। तेरे को जगह देखो, जय माता दी। घर के नीचे थे तुम लोग, वो तो आप एक बार में पहचान गए। अभी सुपर स्टार हो ना बाप। बस मम्मी को 24 घंटे यही चाहिए। हाँ तो क्यों नहीं चाहिए हमको? वो देखती थी ना पहले, बहुत रात को आते थे। हाँ हर बार रात को ही आए। अच्छा तभी तो। आज तक अगर हम लोग 100 बार आए होंगे ना, तो मेरे ख्याल से 2 बार दिन को आए होंगे, आज और एक आध बार पहले। बाकी हर बार हम लोग रात को आते थे, रात को मोटा मोटी 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। ये पुरानी पूरी पुरानी यादें ताजा कर रही हैं ये। जय माता दी। ठीक है माता, मजा आया? हाँ, ठीक है। जाऊँगा मैं दुकान? हाँ जाओ जाओ। कहीं पे भी जाती है देखो, सिर्फ शादी शादी शादी। कभी बोलती है मेरा बेटा सुखी रहे। सुख रहूँ अपने आप लड़की मिल जाएगी। मम्मी कैसे करती है, सिर्फ सुख बोल सुख। ये कुछ हमारे फॉलोवर आए फोटो वोटो खिंचाने को, चलो जल्दी खिंचाओ, दो आपको मोबाइल पे। आएंगे आएंगे शाम को आएंगे, चलो बाय बाय। नहाने के बाद बिना कुछ खाए मंदिर जाते हैं। जल्दी खाना दे भगवान, भयंकर भूख लग रहा है मेरे को। मैं रोज सुबह उठ के नहाने के बाद सबसे पहले काम क्या करता हूँ, पूजा, उसके बाद खाना। अभी वहाँ पूजा किया, तुरंत मम्मी बोली चलते हैं घर के। मैं चलो, ऐसा भूख लग रही ना, 2 मिनट अगर कुछ खाना नहीं मिलेगा तो यहीं बेहोश हो जाऊंगा मैं। ये पप्पा का टिफिन, ये मेरा बैग, ये मेरी गाड़ी। गाड़ी का बहुत लंबा चैप्टर है, बताता हूँ तुमको रास्ते में। एक सीधा साधा सिंधी लौंडा दुकान जा रहा है, देख रहा हूँ मेरी BMW, कल छोड़ के गया था यहाँ पे, बोले थे कल 6 बजे दे देंगे गाड़ी। अभी आया हूँ तो अभी बोल रहा है 1-1.5 घंटा और लगेगा। भाई मैं तो दुकान तक नहीं जा पाऊँगा, ऐसे भयंकर गर्मी है। इनको बोल दिया तुम लोग बाइक रख लो भाई, एक दिन के लिए मेरे को कार में छुड़ा दो, इतनी गर्मी में दुकान तक जाऊँगा पूरा कलवा हो जाऊँगा कलवा। कल पूरी चमक धमक के निकलेगी। चलो 5 में एसी चालू कर दो सबसे पहले तो। हा हा हा, वो तो बैठ के अच्छा लग रहा है यार। ये वीडियो कॉल कर रहे हो या क्या कर रहे हो? वीडियो व्लॉग बना रहा हूँ। पूरी साफ करके रखना गाड़ी अच्छे से। एक कार भी ऐसा दिन है एसी ठंडा नहीं कर रहा है। 1 रुपए नहीं दूंगा, बता रहा हूँ धुलवाने वुलवाने जो भी गाड़ी दिया हूँ ना, देख लेना, नहीं दूंगा। डूब गया तुम लोग का पैसा ऐसे ही। अभी एक गाड़ी भी रखूंगा अपने पास, तेरे को ऑटो में भेजूंगा, देख लेना। अरे यार तब सेकंड हैंड फोन हूं तो दे दो। चोरी का मोबाइल बेचता हूँ, चाहिए? अच्छा लग रहा है भाई यहाँ करके, बाहर तो आज भयंकर गर्मी हो गई, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। कहाँ गायब हो विजू भैया? सुबह से बहुत बिजी चल रहे हो, लड़की लड़की पटाली लग रहा है। मैं सुबह से उठ के मंदिर जा रहा हूँ, ये इंसान सुबह से लड़की बाजी कर रहा है। तो कहाँ फोन ऑन नहीं कर रहे हो, क्या गायब हो गया, कहाँ पैसा ज्यादा छाप लिया हो गया, कहाँ चले बताओ? मैं कहाँ लेके जाऊंगा भैया, मेरा भाई आ रहा है गोलू महासमुंद से, उसके साथ आधे पौन घंटे में पहुंचेगा, गोलू के साथ घूम लेंगे थोड़ा बहुत। लेकिन अभी कहाँ चले यहाँ से, पूरा यहाँ से चलते हैं उधर ही मरीन ड्राइव। चलो मरीन ड्राइव, मरीन ड्राइव कर रहा हूँ। अभी तो जोरदार गई थी, अभी जोरदार गई थी। खुशी देख रहे हो जी क्या के चेहरे पे, तितली देख ली एकदम से, पूरी लाल परी थी हैं ये भी देख रहा हूँ। एक काम धंधा कर नहीं रहे हैं ना, ये दुकान है सीधा पहले उधर उधर देख रहे हैं। नहीं जी, लेकिन आप बहुत नटखट हो गए पता है, शुरू से ही था वैसे।
अभी ज्यादा जवानी फूट रही पता है। कल रात में उठनी है, कल की तैयारी कर रहे हैं अभी से वो लोग। कल से रामनवमी स्टार्ट होने वाला है गाइस, क्योंकि कल इसमें हम लोग झंडे अंडे लगवा देते गाड़ी में। एक काम करो, गटर तला वाली चौपाटी चलो, मोमोस खाते हैं। मोमोस मिनी मरीन ड्राइव मिनी मोमोस खाएंगे। मोमोस यही चौपाटी में खाते ना मोमोस। लो बिजू भैया मोमोस लेकर आए हम आपके लिए, आओ आओ वहाँ बैठ के खाएंगे। कैसा कैसा दिन आ रहा है आपके साथ बेंच में बैठ के मोमोस खाने पड़ रहे हैं। जब से आप आए हो ना बिजू भैया, जीवन में लड़कियां चली गई है पता है। अब आएगी ना भैया, अब मेरे को लग रहा है स्पीड में आनी चाहिए, नहीं तो उतनी स्पीड में आप जाओगे बता रहा हूँ। मोमोस तो हो गया, अब चाय पीनी है बिजू भैया मेरे को। चाय तो अपन यहाँ थाने के बाद है। नहीं नहीं थाने के आसपास नहीं जाएंगे, कोई ब्रांड तो नहीं है ना, अमृतुली ये सब तो नहीं है ना। नहीं अमृत नहीं है ना, अपना बना के बेच रहे ना। चलो चलो जल्दी चलो। क्या नाम है चाय दुकान का? चाय का दुकान का नाम है बढ़िया चाय। बढ़िया चाय पढ़ लिए थे आप पहले? हाँ चाय का दुकान का नाम पहले ही बढ़िया टी रख दी है। कि लोग कोई बोले ना बोले, हम तो बता रहे हैं बढ़िया चाय है हमारे पास। नहीं बढ़िया, रुको मैं भी एक चुस्की तो मार के देखो। बढ़िया चाय, एकदम बढ़िया वाली चाय और बढ़िया वाले मोमोज खा लिए भी चुके हैं। क्यों मजा आ गया, पेट भर गया जबरदस्त। अब बुलावा आ गया दुकान से, बोले दो मिनट दुकान आओ काम है अर्जेंट से। मतलब लाइफ ऑफ ए सिंधी बॉय, इतना स्ट्रगल जो भी भैया। सही बात है, मतलब आदमी मैच वैच देखे बैठ के टाइम पास करे, बियर वियर, अरे सर बियर वियर तो आ जाएंगे। कल ना रामनवमी है, परसों भी भैया चिकन बनाएंगे, चिकन बढ़िया वाला। परसों चिकन बनाएंगे, चिकन पार्टी है परसों। ये पूरे 9 दिन में ना पिया हूँ ना खाया हूँ। जय माता दी। वो हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगा बहुत बड़ा। हो गई बंद, हो गई, हो गई एकदम घड़ी चौक के बीचों बीच में गाड़ी हो गई हमारी बंद। अरे रुक जा भाई, रुक जा। क्या करते हो आप, पेट्रोल डलवाया कि नहीं रखते हो गाड़ी में? अरे पता ही कैसे खाना। ये तो हम लोग सिग्नल में बंद हुआ, कहीं और बंद हो जाता जहाँ लड़कियां वड़कियां होती तो फिर। कितने का डलवा रहे हो बिजू भैया? 23 रुपए का डाल देना भाई, 23 रुपए का। ये तो हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि हम लोग पेट्रोल पंप में आके रुके। और ना बिजू को मैं कम से कम 1,500 गालियां बका होता अभी। ये क्या नाटक कर रहे थे? अरे भाई दिखाओ ना उसको अपना 230। हाँ 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 हो गया, खुश। वीडियो खींच रहे हैं? हाँ वीडियो खींच रहे हैं। वीडियो बनाएंगे तो डालेंगे कि 230 में 530 का पेट्रोल डाल रहे हो तुम लोग। चावला सर पेट्रोल पंप के मालिक, 230 में 530 का पेट्रोल डाल दिया, गाड़ी से पेट्रोल बाहर फेंका रहे। इस गाड़ी का नाम क्या है बिजुबिया? ये हाँ इसकी मारुति इको। मारुति इको एकदम गलत, इसको बोलते किडनैपर वाली गाड़ी। किडनैपिंग गाड़ी। कहाँ जा रहे हो? रुको ना, गोलू आ रहा है ना, साथ में चलेंगे। अभी मैं और विजू प्लान कर रहे थे कहीं इधर उधर जाएंगे, एक राउंड मार कर आते हैं, लेकिन अब गोलू फोन कर दिया, बोले 5-10 मिनट रुको मैं आ रहा हूँ। रुके गोलू के लिए। गोलू भैया थार में आ रहा होगा पक्का, थार में आए होंगे। बाप रे ये तो एकदम गरीब वाली गाड़ी में आया गोलू, है ना गरीब टाइप। अरे बाप रे गोलू से बात ही नहीं करेंगे, चलो यार ये गरीब लोग से क्या बात करोगे। चलो चलो जल्दी चलो, आ जाएगा वो। क्या बात करोगे इससे, एक्सीडेंट एक्सीडेंट में आ रही है। मेरे को लगा थार में आएगा तू। थार बेच दिया मैं, थार बेच दिया गाड़ी ले रहा हूँ। एक्सीडेंट ले लिया थार बेच के। क्या बोल रहे, वीडियो नहीं बनाऊं तेरा? तू मेरे को क्या बोला मैं आ रहा हूँ? बोला थार में नहीं आ रहा हूँ, मैं खुश हो गया था ना। अब मेरे को बिजू भैया के साथ जाना पड़ेगा, ये देखो छटपटी में जाना पड़ेगा अभी। कल तो जुलूस है, कल तू आ जा, तुम्हारी मर्जी। सजा नहीं सजा भाई, तो क्यों गाड़ी को जो करना कर। मैं तो ऊपर छत में चढ़ा, मैं तो छत में खड़ा रहूंगा, बाकी आप देख लो। बाकी तू देख ले, मैं तो ऊपर छत में रहूंगा गाड़ी के, बाकी आप देख लो कैसे आना है, सजा के आना है बिना सजाए आना है, आप डिसाइड कर लो। आज दिन भर की है दूसरी चाय। अब तो नहीं पेट्रोल खत्म होगा ना इसका? नहीं अब नहीं होगा,
मजाक चलेगी बताऊं, आप तो ऐसा बोल रहे 230 में 150 किलोमीटर मजाक कर दो, जितना मजाक मत किया करो, दुनिया मजाक समझेगी। चलो बिजू भैया कल मिलते हैं, कल रामनवमी, कल मैं तुम लोग को भी एक मस्त चीज बताऊंगा कि हम कल क्या अति करने वाले, अति मजा आ जाएगा तुम लोग को देख के, कुछ नया करने वाले। जय श्री राम, जय श्री राम। आज थी अष्टमी, कल है रामनवमी, कल जो माहौल होगा ना रायपुर का, एक नंबर मजा आ जाएगा। तो मैंने जो प्लान किया है कि मैं विजू सुबह से जाएंगे हम लोग लंगर खाने, मैं सुबह से घर में कुछ भी नहीं खाऊंगा, कल रात तक सिर्फ लंगर का खाना खाऊंगा। 7 बजे मेरे को एक रामनवमी की उसमें पूजा में भी बुलाए हैं, वहां पे भी जाना है, कल आमंत्रण आया था हमको। जय श्री राम। तो आज का ब्लॉग अपन यहाँ पे दी एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। सबको दिखाओ यार, रायपुर, छत्तीसगढ़, ऑल ओवर इंडिया सबको दिखाओ, बॉम्बे, दिल्ली, उल्लासनगर। देख रहे हो कैसे अलग से नाम ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी जगह है वो। तो ओके गाइज, गुड नाइट।